जय हिंद दोस्तों, आज एक नया सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि वैकेंसी निकल के आई हुई है IREL लिमिटेड इंडिया लिमिटेड की ओर से जो वैकेंसी निकल के आई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर में ये विभाग आती है। ठीक है, अब हर चीज़ हम लोग डिटेल में बात करने वाले, एज सैलरी सिलेबस प्लेस ऑफ पोस्टिंग, सैलरी क्या मिलेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एज क्या रहेगा, सब चीज़ डिटेल में मैं एक एक चीज़ को डिटेल में मैं बारीकी से बताने वाला हूँ। बस पेशेंस के साथ पूरा वीडियो बात कीजिएगा। अब देखो IREL की ओर से जो वैकेंसी निकल के आई हुई है, मैं पहले आप लोग को बताने वाला था जब शॉर्ट नोटिस आउट हुआ था तो, लेकिन मैं नहीं बता पाया था। ओके, अब देखो फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हो। अब देखो भारत सरकार का उपक्रम परमाणु ऊर्जा विभाग, ओके, अब देखो कहाँ से आया हुआ प्लांट, यहाँ पे ये नंबर दिया गया 1277 वीर सावरकर मार्ग सिद्धि विनायक मंदिर के पास, जो प्रभा देवी मुंबई में स्थित है, वहाँ से ये वैकेंसी निकल के आई है। मतलब कि वहाँ पे ये संस्था है, वो चीज़ है। आप देखोगे तो विज्ञापन संख्या यहाँ पे, मतलब कि एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर दिया गया, उसके बाद से जो वैकेंसी निकली हुई है, एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट ऑफ ट्रेड्समैन ट्रेनिंग ऑन रेगुलर बेसिस वैकेंसी निकल गया। मतलब क्या है कि ये परमानेंट जॉब है, ठीक है, पक्की जॉब है। अब देखो यहाँ पे जो वैकेंसी निकल के आई हुई है, IREL इंडिया लिमिटेड इज ए मिनी रत्न कैटेगरी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, हैविंग इट्स इज द कॉरपोरेट ऑफिस ऑफ मुंबई एंड ऑपरेटिंग इट्स एटॉमिक्स मिनरल माइंस एंड मिनरल्स प्रोसेसिंग प्लांट्स। ठीक है, ये सब चीज़ केलवा उला बहुत सारा जगह यहाँ पे तमिलनाडु में, ये सब जगह आप लोग का इनका संस्था अलग अलग जगह पे यहाँ पे देख सकते हो। पूरा हर चीज़ शिमला उड़ीसा हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, OSCOM हो गया, उड़ीसा हो गया, प्रोडक्शन हो गया, रुतहल हो गया, जिकॉन हो गया, ओके, बहुत जगह इन लोग का है, उड़ीसा में बहुत जगह है, फिर इन लोग का अलग अलग जगह पे आप लोग का आंध्र प्रदेश में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, भोपाल में है। ठीक है, ये सब चीज़ यहाँ पे लिखा गया, पूरा डिटेल में इसको पढ़ लीजिएगा। मेन चीज़ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि भैया जो वैकेंसी निकली हुई है, सबसे ज़रूरी बात कि वैकेंसी जो निकली हुई कितना पोस्ट पर, 67 पोस्ट वैकेंसी निकली हुई है अप्रॉक्सली, यही सीट पर वैकेंसी आउट हुई है। मैं आप लोग को एज सब चीज़ बताऊँ, एज सैलरी सिलेबस एग्जाम पर सब चीज़ मैं बताने वाला हूँ, बस पेशेंस बनाए रखो। अब देखो यहाँ पे क्या है, ओपनिंग डेट 23/2/2024 आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, क्लोजिंग डेट आप लोग का 15/3/2024 रखा गया है, तो ध्यान रखना टाइम आपके पास बहुत ज़्यादा है आपके पास। अब देखो यहाँ पे देखोगे क्या कि प्लेस ऑफ पोस्टिंग लोकेशन कोड, देखो ऊपर में बता दो डिटेल पोस्ट ऑफ, यहाँ पे देखोगे आप लोग का पोस्टिंग का कोड है और उसके बाद से नेम है यहाँ पे, उसके बाद से यहाँ पे एक्सपीरियंस के बारे में बताया गया कि भैया सब में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस है, वो चीज़ आप लोग को मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि आप लोग का OSCOM यूनिट जो उड़ीसा में है, आप लोग वहाँ पे L1 जाइएगा तो PC1 PC2 PC3 PC4 सब चीज़ है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ट्रेड्समैन ट्रेनिंग का पोस्ट है, ITI फिटर में जाइएगा, तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन देखिए सिंपल सी बात है, 10th के बाद अगर आप ITI किए हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस में देखिए बताया गया कि एक्सपीरियंस ITI NSC नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है, तो आप एलिजिबल हो फॉर्म को फिलअप करने के लिए, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। मिनिमम एज सब में वही टर्म एंड कंडीशन है, मिनिमम 18, मैक्सिमम आप लोग का 35 रखा गया, और डिपेंड करता है आप किस कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं। ठीक है, कैटेगरीज आप लोग का जिस भी कैटेगरी होगा कैटेगरी के अनुसार से आप लोग को छूट मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे पोस्ट आप लोग देख लेना, ओके, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख लो फिटर वाले के 13 है, यहाँ पे ट्रेनिंग वाले के लिए, ओके, सब में वही टर्म एंड कंडीशन है, भैया ITI की हो या फिर NSA की हो, एक्सपीरियंस है या फिर अप्रेंटिसिप की हो, तो आप एलिजिबल हो फॉर्म को फिलअप करें, या तो एक्सपीरियंस होना चाहिए या तो अप्रेंटिसिप होना चाहिए, ओके, रिलेवेंट फील्ड में। यहाँ पे देखो एक्सपीरियंस इन द ट्रेड रिलेवेंट ट्रेड डिसिप्लिन प्लीज़ रेफर टू पॉइंट, यहाँ पे ये सब चीज़ बिलो नंबर 4 है, ये सब चीज़ दिया गया, ये आप लोग का 35 साल दिया गया। स्टार्टिंग ड्यूरेशन आप लोग का स्टार्टिंग में आप लोग का 20,000 रुपया साल भर दिया जाएगा, उसके बाद से आप लोग को ग्रेड पे लग जाएगा। ठीक है, W3 ग्रेड होता है, यहाँ पे ग्रेड आफ्टर ट्रेनिंग, मतलब कि आप लोग का 22,000 से लेकर 88,000 के बीच में आप लोग का स्लिप, मतलब 22,000 आप लोग का ये बेसिक हो गया। अब इस पर आप लोग का महंगाई भत्ता, ड्रिलेंस अलाउंसेस हो गया, TA हो गया, DA हो गया, HRA हो गया, मेडिकल हो गया, फिर ESI हो गया, ठीक है, PF हो गया, ये सब चीज़ जुड़ेगा, तो आप लोग का ये वही 30 से 32K के, मतलब कि 32 से 33 के बीच में आप लोग का सैलरी इन हैंड आप लोग को अकाउंट में घुसेगा। ओके, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सैलरी के टेंशन नहीं लेना, ओके, सैलरी आप लोग को बेहतरीन मिलेगा। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन वाले के लिए पोस्ट यहाँ पर देख लो, अपना अपना ट्रेड देख लेना यार, पहले मैं आप लोग को दिखाता हूँ। जैसे कि आप लोग को फीडर के लिए 13-12 इसमें है इलेक्ट्रिशियन वाले के लिए, उसके बाद से ट्रेड्समैन वाले के लिए, यहाँ पे अलग अलग जगह पर देख लो, अपना यूनिट देख लेना, ठीक ना,
चालवाईनूट में, केरला में है जो, तमिलनाडु में है, अलग अलग जगह पे आप लोग का है, 15 है यहाँ पर, एक है उसके बाद से ट्रेनिंग डेट्समैन ट्रेनिंग वाले के लिए, फिटर वाले के लिए 14 है यहाँ पे है, उसके बाद से तमिलनाडु में 14 है जो कि फीटर वाले के लिए, इलेक्ट्रिशियन वाले के लिए 2 है, उसके बाद से भोपाल में, ठीक है, भोपाल में आप लोग का फीटर के लिए 2 है, इलेक्ट्रिशियन वाले के लिए 1 है, अटेंडेंट AOCP अटेंडेंट ऑपरेशन अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट वाले के लिए यहाँ पे 2 सीट पे वैकेंसी आउट हुई है, उसके बाद से आप लोग का यहाँ पे REMP वीज आंध्र प्रदेश में आप लोग का ये यूनिट है जो वहाँ से वैकेंसी निकला हुआ, तो यहाँ पे फीटर वाले के लिए 2 है, इलेक्ट्रिशियन वाले के लिए 1 है और AOCP वाले के लिए 2 है। ओके, अब देखते हैं और भी क्या क्या चीज़ यहाँ पे दिया गया। यहाँ पे बताया गया कि भैया आप लोग को हम स्टार्टिंग में आप लोग को साल भर तक 20,000 रुपये देंगे, बाद में आप लोग को ये गेट पे आप लोग को लगाएंगे, जब आप लोग का साल भर मतलब एक साल आप लोग का जब क्लियर हो जाएगा, ट्रेनिंग क्लियर हो जाएगा एक साल का, तब जाकर मैं आप लोग को ग्रेड पे दूंगा। ओके, सब में होता है। ओके, कोई 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 विभाग तो 2-2 साल लगा देता है। अब देखो यहाँ पे आप लोग का जो गेट पे बनेगा, यहाँ पे लिसेशन आप लोग को जो दिया जाएगा वो चीज़ यहाँ पे टर्मिनल कंडीशन लिखा है, बहुत सारा लंबा बात लिखा है, मैं वो चीज़ आप लोग को नहीं बताने वाला हूँ, मेन चीज़ मैं बताने वाला हूँ। देखो यहाँ पे उड़ीसा वाले के लिए यहाँ वैकेंसी के बारे में यहाँ पे बताया गया कि किसमें कितना सीट की संख्या वैकेंसी, वो चीज़ यहाँ बताया गया, मैं मेन चीज़ पे यहाँ बताता हूँ, आप समझाता हूँ थोड़ा आप लोग को। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस समझो, ट्रेड्समैन ट्रेनिंग वाले के लिए जो ITI NSE फीटर इलेक्ट्रिशियन जो भी है, उसके बाद 2 ईयर एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट ट्रेड डिसिप्लिन इन ए रिपोर्टेड इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट इंक्लूडिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इफ एनी फॉर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वैलिड यहाँ पर सेचुरेटेड लाइसेंस इसेंटियल, ये सब चीज़ होना चाहिए, वैलिड लाइसेंस आप लोगों के पास होना चाहिए, लाइसेंस बनवा लीजिएगा अगर आप इलेक्ट्रिशियन से किए हैं तो, ठीक ना, सेचुरेटेड वाला, तो यहाँ पे ये चीज़ है। उसके बाद से आप लोगों को जैसे कि ITI किए हैं ट्रेसमैन वाले के लिए, तो ITI NSE अटेंडेंट टेक्नीशियन वाले के, तो केमिकल प्लांट वाले के लिए तो 10+2 आपका होना चाहिए, तो इसमें भी आप लोग का टर्मिनल कंडीशन भैया 50% आप लोग का होना चाहिए, जो हायर सेकेंडरी में जब आप 12th जो पास किए हैं तो उसमें आप लोग का 50% होना चाहिए, केमिस्ट्री में आप लोग का अच्छा नंबर होना चाहिए, तभी जाकर आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। उसके बाद से 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑपरेशन एंड केमिकल एंड अलाइड प्रोसेस इंडस्ट्री इंक्लूडिंग द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इफ एनी, मतलब कहीं भी काम किए हो इसी से, मतलब इसी से जुड़े हुए अटेंडेंट कम टेक्निकल मतलब प्लांट में कहीं काम उम किए हो तो आप एलिजिबल हो फॉर्म को फिलअप करने के लिए। अब पोस्ट कोड जब आप फॉर्म को फिलअप करोगे या फिर रिजर्वेशन जो आप लोगों का दिया गया, पोस्ट कोड यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर देख लेना लोकेशन और पोस्ट कोड के हिसाब से आप लोग फॉर्म को फिलअप करना। जब फॉर्म को फिलअप करोगे जैसे ध्यान देना कौन सा पोस्ट पे कौन सा आप लोग का वो है, लोकेशन पे कौन सा पोस्ट है वो चीज़ यहाँ पर देख लेना। अब देखो एज के बारे में बताया गया, ठीक है, यहाँ पे बाउंड भरा जाएगा, मैं सेंटर भी बताने वाला हूँ कहाँ कहाँ आप लोग का एग्जाम पड़ेगा वो सब चीज़ बताने वाला, बस पेशेंस रखो। अब देखो यहाँ पे बताया गया कि UREWS वाले के लिए यहाँ पे आप लोग का जो 35 साल है लास्ट ही आप लोग का यही रहेगा, बाद बाकी SC ST OBC वालों को 3 साल 5 साल आप लोग को दिया जाएगा। ओके, यहाँ पे देख लेना सर्विसमैन वालों को भी छूट मिलेगा अलग से। अब देखो यहाँ पे आप लोग का एज रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया, यहाँ पे सब NOC उनसे लगाने को लेने के लिए बताया गया। रिटर्न टेस्ट होगा आप लोग का, जो आप लोग का सिलेक्शन प्रोसेस है सबसे जरूरी बात है कि रिटर्न टेस्ट होगा, मेरिट पे कुछ नहीं होने वाला, यहाँ पे रिटर्न टेस्ट होगा, CBT 1 CBT 2 आप लोग को देना होगा यहाँ पे आप लोग को, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे बताया गया कि द मोड ऑफ सिलेक्शन फॉर ऑल द पोस्ट शुड कंसिस्ट ऑफ रिटर्न टेस्ट फर्स्ट लेवल टेस्ट स्किल टेस्ट टेस्ट उसी को, फिर जो मेडिकल्स उसके बाद से टेस्ट सेकेंड लेवल में आप लोग का अप्लीकेबल्स एंड एनी कॉम्बिनेशंस, ये सब चीज़ यहाँ बताया गया। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोग का पूछा जाएगा, CBT के माध्यम से आप लोग को क्वेश्चन रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन रहेगा, टेंशन लेने की जरूरत आपको है नहीं। ओके, यहाँ पे देखो पढ़ोगे सब चीज़ यहाँ पे लिखा गया। ओके, अब देखो कहाँ कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछेगा, वो चीज़ सबसे जरूरी बात कि यहाँ पे 1.5 घंटा आप लोग के पास टाइम दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग नहीं है मेरे दोस्तों, मेरे इंजीनियरों, मेरे बुआ सुन्ना मुन्ना सब, देख लो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोग पूछा जाएगा। ओके, यहाँ पे देख लो 50 क्वेश्चन पेपर 1 में, पेपर 2 में भी 50 क्वेश्चन का रहेगा फॉर एनी रॉन्ग आंसर, ठीक है। 1 मार्क देयर यहाँ पे देयर विल नॉट वी एनी नेगेटिव मार्किंग फॉर एनी रॉन्ग आंसर, नो मार्क्स विल बी द अवॉर्डेड फॉर अन अटेम्प्ट क्वेश्चन, द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड, यहाँ पे आप लोगों को क्वालिफाई करने के लिए कितना कितना नंबर आना होगा ये चीज़ यहाँ मेंशन किया गया, 40% और 35% का जो रेशियो रखा गया। भैया इस पर तनिक भी बिलीव मत करना, ठीक है। यहाँ पे देख लो आप लोग का 1.5 घंटा का टाइम दिया जाएगा, पेपर 1 में आप लोग का 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें आप लोग का टाइप्स क्वेश्चन ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज डिसिप्लिन रिलेटेड, जो आप लोग इलेक्ट्रिशियन से हो फिटर से हो जिससे भरोगे उसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, केमिकल प्लांट से AOCP से भरोगे तो आपसे उसी से क्वेश्चन पूछेगा, बाद बाकी
उसके बाद से पेपर टू, ठीक ना, पेपर टू में आप लोग टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जनरल नॉलेज अवेयरनेस रीजनिंग न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब कि आप लोग का मैथ ये सब चीज़ क्वेश्चन आएगा, इंग्लिश भी रहेगा आप लोग का। ओके तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है। ओके तो जो भी स्टूडेंट फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं जरूर फॉर्म को फिलअप कीजिएगा, जॉब बेहतरीन है, इतना अच्छा है कि क्या ही बताया आप लोग को। जो आप लोग का सीबीटी जो आप लोग का एग्जाम होगा स्किल टेस्ट के लिए आप लोग का जो आप रेशियो रखा गया 1.5 का रेशियो रखा गया ये ध्यान रखिएगा। ओके रिटन टेस्ट सेंटर कहाँ कहाँ बनाया गया वो चीज़ देख लीजिए, मुंबई, ठीक है, मुंबई बनाया गया, उसके बाद से आप लोग का भोपाल, विशाखापट्टनम, यहाँ पे आप लोग का कोची, चेन्नई, उसके बाद से आप लोग का कटक है, भुवनेश्वर, यहाँ पे ये जब जो भी यहाँ पे देख रहे हो ना ये सब आप लोग का सेंटर बनाया गया, यहाँ पे आप लोग पढ़ लेना आप लोग। ओके प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एडमिशन ये सब चीज़ यहाँ पे बताया गया, उसके बाद से आप लोग को एग्रीमेंट होगा, बाउंड भराया जाएगा, ठीक ना, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे यूआर ओबीसी एनसीएल से बिलोंग करते हैं तो 1.5 लाख का बाउंड भराया जाएगा, अदरवाइज अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को 1 लाख का बाउंड भराया जाएगा। यहाँ पे कम से कम 3 साल आपको काम करना होगा, ठीक है, अगर 3 साल अगर काम आप लोग कर लेते हैं तो ये नहीं देना होगा पैसा, अगर इससे पहले छोड़ते हैं तो आपको पैसा ये देना होगा। ये सब चीज़ यहाँ पे लिखा गया है भैया, टर्म एंड कंडीशन इन लोग का है, तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। ओके एप्लीकेशन फ़ी कितना लगेगा, 500 रुपया आप लोग का लगने वाला है, अदरवाइज़ अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है मेरे इंजीनियरों, ध्यान रखना। ओके और कुछ नहीं दिया गया है, मैं हर चीज़ आप लोगों को बता ही दिया हूँ। ओके फाइनल प्रोविजनल डिग्रीज ITI डिप्लोमा ग्रेजुएशन ETC सब चीज़ आप लोग का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया, डॉक्यूमेंट्स होगा, सब चीज़ एकदम क्लियर होना चाहिए, ये नहीं कि आप एडिंग में है या फिर फंस गया है, मतलब फर्स्ट ईयर का फंस गया है, सेकेंड ईयर का आने वाला है, थर्ड ईयर का सर फंसा हुआ, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। सब चीज़ जो भी चीज़ है एकदम लीगल होना चाहिए और सब चीज़ ओके होना चाहिए। ओके तभी जाके आपको वहाँ पर सिलेक्शन लिया जाएगा, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होगा, ध्यान रखना। ओके तो जो भी स्टूडेंट फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं कीजिए, वैकेंसी कम नहीं है तो ज़्यादा नहीं है तो कम भी नहीं है, कम नहीं है तो ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है, तो ये चीज़ देखने की ज़रूरत है। पैरेलल है तो 67 सीट है, 67 सीट बहुत होता है। ओके जो भी स्टूडेंट चाहते हैं सीरियस में है तो फॉर्म को जरूर भरिए और तैयारी कीजिए और जॉब निकालिए। ओके और हाँ जो भी स्टूडेंट ITI इलेक्ट्रीशियन से किए हैं तो उन लोगों के लिए मास्टर कोर्स ज्वाइन मैं कहूँगा कर लीजिए, आप लोगों के लिए निकाला गया मास्टर कोर्स ज्वाइन कर लोगे, उसमें आप लोग को सब चीज़ मिलेगा, ठीक है, आप लोग को सब चीज़ का मतलब सब चीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया, रमन सर का टेक्निकल वीडियो 188 वीडियो मिलेगा, मोटर जनरेटर, अल्टरनेटर, ट्रांसफार्मर, पावर जनरेटर, सब चीज़ कंपटीशन बुक का PDF मिलेगा, हिंदी मिलेगा, इंग्लिश मिलेगा, हमारा हैंड्स नोट्स बुक मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा, बहुत सारा चीज़ आप लोग को मिलेगा आप अगर ज्वाइन करते हैं तो, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को सब चीज़ मैं समझा पाया हूँगा, आप लोग को समझ भी आया होगा, कोई दिक्कत है तो आप मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा फिर से मैं वीडियो बनाकर आप लोग को डाल दूँ, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ हो।